बेसन लिया हुआ है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। इस तरह से इसको क्रश करके डालेंगे और इसे हम और ये 1/4 बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में नहीं डालिएगा वरना लम्स आ जाएगा, तो उसे लम्स को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए 1 से 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर एक साइड में रख देते हैं और आइए चलिए अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जब देखिए ये हमने पैन रखा है, उसमें मैं डाली हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपको। और इसमें डालेंगे, तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून राई है और 1/2 टीस्पून जीरा है, इसे डाल देते हैं और एक बार चला देंगे, अच्छे से तड़कने देंगे। इसी के साथ डाल देते हैं हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च है। और 1 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी चला देते हैं। लहसुन का पेस्ट हमने भून लिया है, इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं, यह हमने 3 मीडियम साइज आलू बॉईल करके मैश करके रखा हुआ था, तो इसे डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम डालेंगे दोबारा फिर से थोड़ी सी धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इसको रखे हुए कुछ देर हो गया है, इसे एक बार और चला लेते हैं। इसे साइड में रख देते हैं और ये देखिए ये जो हमने फिलिंग बनाई थी ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। गर्म में आपको बिल्कुल नहीं बनाना है इसको बॉल, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो बड़े नींबू के आकार का उतना ही बड़ा आपको इसको राउंड शेप में बना लेना है इस तरह से। ये देखें इतना बड़ा आपको बनाना है और इस तरह से हम इसमें रखते जाएंगे। देखें छोटे छोटे बॉल हमने बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है, अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। देखें तेल हमारा गर्म हो गया है और ये देखें बेसन में 1 आलू के वड़े को डाल देंगे इस तरह से और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे और चम्मच की सहायता से डालेंगे तो इसकी शेप भी खराब नहीं होगी और ज़्यादा बेसन भी नहीं आएगा। इस तरह से एक एक करके हम डालते जाएंगे और ये देखें इस तरह से हमने सभी बड़ों को डाल दिया है। अब जो हमने पहले डाला है वो हल्के से फ्राई हो गए हैं और इनको निकाल देते हैं एक एक करके, एक दूसरे में चिपक जाते हैं। ये देखें इस तरह से अब इसे पलट देते हैं और ये देखें बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक एक करके सबको निकाल लेंगे और ये देखें कितना बढ़िया बटाटा वड़ा हमारा फ्राई हुआ है।
पांच से छह हरी मिर्च हमने लिया है। मिर्च के बगैर तो वड़ा पाव कोई वही नहीं है, वड़ा पाव तो मिर्च के साथ ही अच्छा लगता है। तो इसे हम फ्राई करेंगे, बीच से हमने कट कर लिया है लंबाई में, इसे आप फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बटाटा वड़ा बनकर तैयार है, ये बहुत टेस्टी लगता है, इसे बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताई हूँ, तब भी ये बहुत टेस्टी है, एक बार आप ट्राई कर जरूर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मुझे खुशी होती है आपका कमेंट्स पढ़ने में। तो आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी।